दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय में। आज है 6 जुलाई और आज के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में आप सभी छात्रों के लिए जो महत्वपूर्ण सूचना होती है उसको लेकर हम डेली हाजिर होते हैं। विद्यार्थी जीवन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें, समय के अभाव के कारण अगर आप कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते या मिस कर जाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो चलिए, पहली चीज़ तो आप देख सकते हैं, जो पहला टाइटल हमने यहाँ पर दिया है, UPPCS एग्ज़ाम में बड़े बदलाव। जैसा कि आपने देखा है कि UPPCS में पेपर लीक और इन सारी चीज़ों को लेकर बहुत से बदलाव किए गए हैं, कल भी हमने आपको बताया था। साथ साथ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो दाखिला है, स्नातक के दाखिलों का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया, कब लास्ट डेट इस पर बात करेंगे। नीट UG रद्द होने के आसार नहीं है, जब तक कि कोर्ट कोई ऑर्डर नहीं देता। केंद्र सरकार पूरी अड़ी हुई है और UP बोर्ड स्क्रूटनी रिजल्ट हो चुका है जारी। तो सबसे पहली खबर यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब कई लेयर वाले डिजिटल लॉकर में रखे जाएंगे प्रश्न पत्र, यानी कि अब लॉकर जो होगा वो डिजिटल होगा। ठीक है, आयोग के पास ही इसका क्या होगा, कोड होगा। पेपर लीक रोकने के लिए UPPSC ने लागू की नई व्यवस्था, साथ साथ अन्य भर्ती संस्थाएँ भी अपनाएंगी यह तरीका। पेपर लीक के मामले में बढ़ने के बाद प्रश्नपत्रों की सुरक्षा घेरा बढ़ा दिया गया, अब डिजिटल लॉक से लेस बॉक्स में प्रश्नपत्र रखे जाएंगे। बॉक्स की टेम्परिंग आसान नहीं होगी, यह मल्टी लेयर में होगी। UPPCS ने दो भर्ती परीक्षाओं के प्रश्नपत्र इसी तरह के बॉक्स में रखवाए हैं। अब इस व्यवस्था यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी भर्ती परीक्षा लागू किया जाएगा, अन्य भर्ती संस्थाएं भी इस व्यवस्था को अपनाएंगे। इसे लेकर यहाँ परीक्षा प्रक्रिया की होगी लाइव स्ट्रीमिंग होगी और इन परीक्षाओं में डिजिटल लॉक का हुआ, जो अभी अभी पेपर हुआ, सहायक नगर नियोजक भर्ती का पेपर हुआ उसमें यहाँ पर है। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ पर परीक्षा में सेंधमारी बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। जैसे पहले आसान था, पेपर होता था, सारी चीज़ें, अब डिजिटल लॉक होगा, केवल पासकोड आयोग के पास होगा। तो विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही अच्छा यहाँ पर कदम है यहाँ पर, और सरकार भी काफ़ी गंभीर है। तो देखते हैं कितनी यहाँ पर चीज़ें होती हैं। तो लेकिन फिलहाल आपके लिए यहाँ पर स्टेप है और नई भर्तियों की कब विज्ञापन आते हैं, तो ये पहली खबर थी। साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं, दूसरी खबर यहाँ पर देख सकते हैं, यूपी बोर्ड ने जारी किया स्क्रूटनी का परिणाम। तो जो छात्र अपने रिजल्ट से असंतुष्ट हैं, उनके नंबर कम आए हैं या जैसे भी हैं, तो उन्होंने जो स्क्रूटनी फॉर्म भरा था, तो इसका देखिए स्क्रूटनी का आपका आ गया। माध्यमिक शिक्षा परिषद के क्षेत्रीय कार्यालयों से स्क्रूटनी का परिणाम जारी कर दिया गया है। यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर शुक्रवार के शाम को परिणाम का लिंक दे दिया गया है, क्षेत्रीय कार्यालय बार परिणाम दिया गया। अभ्यर्थी वहाँ से अपने अनुक्रमांक देख लें, वेबसाइट पर केवल उन्हीं का अनुक्रमांक दिया गया जिनके अंक पत्र में संशोधन हुआ है, यानी कि जिसने भी आवेदन किया है और उसका रिजल्ट एज इट इज रहा है तो उसके नहीं जारी किए गए हैं, जिनके अंकों में परिवर्तन हुए हैं उनके यहाँ पर जारी हुई हैं। ठीक है, करीब आप देख सकते हो 29,555 विद्यार्थियों ने आवेदन किया था और इस प्रकार से रिजल्ट जारी हो चुका है, आप ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली जो खबर यहाँ पर आप देख रहे हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय व कॉलेजों में दाखिलों के लिए पंजीकरण देखिए स्टार्ट हो चुका है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय और संघटक कॉलेजों के स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले की प्रक्रिया शनिवार को शुरू होगी। पहली बार समर्थ पोर्टल के माध्यम से प्रवेश लिए जाएंगे। पहले चरण में विद्यार्थियों को पंजीकरण कराने के साथ सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे और इसकी आखिरी तारीख 20 जुलाई है। तो ध्यान रखिएगा, आज 6 जुलाई है, आखिरी तारीख 20 जुलाई है। वहीं दूसरे चरण में CUT का रिजल्ट घोषित होने के बाद, जब आपका एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आएगा उससे होने के बाद, काउंसलिंग तथा इसके बाद की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, इसकी तारीख बाद में दी जाएगी। पहले फेज के अंतर्गत CUT 2024 में शामिल छात्र छात्राओं को विश्वविद्यालय का जो समर्थ पोर्टल है वहाँ पर आपको जाना है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं www. आप देख सकते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटीज summer.edu.in पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसी के साथ विद्यार्थियों को CUT UG 2024 का प्रवेश पत्र, 10वीं एवं 12वीं के अंक पत्र तथा प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र तथा अन्य प्रमाण पत्र आपके अपलोड करने होंगे। ठीक है, तो 20 जुलाई लास्ट डेट है, ये ध्यान रखिएगा। और आज की महत्वपूर्ण और आखिरी खबर नीट UG को लेकर है। देखिए, यहाँ पर केंद्र सरकार पूरी तरीके से अड़ी हुई है और वह परीक्षा रद्द करने के मूड पर नहीं है। अब जो कुछ भी हो सकता है कोर्ट के माध्यम से हो सकता है। इन्होंने देखिए यहाँ स्पष्ट कहा है, नीट UG रद्द कर दोबारा परीक्षा कराना विद्यार्थियों के व्यापक हित में नहीं है, केंद्र सरकार ने कहा है। शीर्ष कोर्ट में सरकार व NTA के हलफनामे, कहा व्यापक कदाचार के सबूत नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए सरकार ने क्या कहा है, बिना किसी तथ्य के अनुमान पर आधारित आवेदन खारिज हो। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि वास्तविक चिंताएँ दूर की जानी चाहिए, बिना किसी तथ्य के केवल अनुमान के आधार पर की गई प्रार्थनाएँ खारिज कर दी जानी चाहिए ताकि ईमानदार परीक्षार्थियों और उनके परिवारों को अनावश्यक पीड़ा ना हो। ठीक है, और इसकी जो सुनवाई यहाँ पर हो रही है, आप देख सकते हैं CJI चंद्रचूड़ की 8 पीठ करेगी सुनवाई। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ 8 जुलाई को हलफनामे और याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। नीट UG 5 मई को आपका आयोजित हुआ था, तो 8 जुलाई को सुनवाई होगा और उसी देख सकते हैं कि बहुत बड़ा जो भी निर्णय होगा इसको लेकर कोर्ट की तरफ से आएगा, क्या ये सरकार के पक्ष में जाता है या विद्यार्थियों के पक्ष में जाता है, यहाँ पर देखने वाली बात है। तो ये थी आज की प्रमुख समाचार पत्रों की हेडलाइंस, मुख्य हेडलाइन जो आपको हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से देते रहते हैं, साथ साथ स्टडी मटेरियल की वीडियोज़ भी आपको मिलती है।
आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, साथ ही साथ ऑल नोटिफिकेशन दबा लीजिए और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए जहाँ पर आपको हर अपडेट दी जाती है। तो अभी के लिए इतना ही, वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और आपके जो विचार हैं वो ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।